हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो सभी? और कैसी लगी कल की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। और आज की क्लास में अपना जो मोटिवेशन थॉट रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा। सभी परेशान रहते हैं, डर सभी को लगता है, फिर हालात संभाल लो और जीत के पीछे लगे रहो तो लगे रहो। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप जहां कहीं भी जैसे भी पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आप कंटिन्यू वैसे ही रखना और वैसे ही लगे रहना। एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। और इस मोटिवेशन थॉट से मैं आज आपको फंडामेंटल एक टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा जिसका नाम होगा पोजीशन। क्या नाम है? पोजीशन। तो इसमें जो ये कैपिटल वर्ड दिख रहे हैं ये सभी पोजीशंस होगी। तो इसमें पहली जो होगी वो होगी स्पाइन पोजीशन, उसके बाद में प्रॉन पोजीशन, उसके बाद में रोज पोजीशन, ये डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, ये सिम्स पोजीशन, ये लिथोटोमी पोजीशन, ये फॉलर पोजीशन, ये हाई फॉलर पोजीशन, ये सेमी फॉलर पोजीशन, ये लो फॉलर पोजीशन, ये नी चेस्ट पोजीशन, ये लैटरल पोजीशन, ये ट्रेंडल एंड वर्क पोजीशन, और ये लॉग रोल पोजीशन, और ये होगी आपकी रिवर्स ट्रेंडल एंड वर्क पोजीशन। तो ये तो हो गए पोजीशंस के नेम। अब अपने करेंगे इस पोजीशन की बात कि ये पोजीशन दी कैसे जाती है और ये किसमें कौन सा इंडिकेटेड होती है। ठीक है, तो अपने बात करेंगे फर्स्ट पोजीशन स्पाइन पोजीशन की। तो ये स्पाइन पोजीशन में पेशेंट को बैक के सहारे सुलाया जाएगा बिल्कुल सीधा, और उसके लेग भी बिल्कुल एक्सटेंड सीधे होंगे। ठीक है, और ये किसमें यूज की जाती है? ये वाइटल साइन जब चेक किया जाता है पेशेंट का तो उसमें यूज की जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें चेक की उसमें दी जाती है ये पोजीशन। आफ्टर स्पाइनल इंजरी में भी इस पोजीशन को दी जाती है। मेल कैथेटराइजेशन करते हैं तो उसके अंदर भी इस पोजीशन को दी जाती है, और ये स्पाइन पोजीशन आपके सामने ये। तो अपनी नेक्स्ट पोजीशन आएगी प्रोन पोजीशन। तो प्रोन पोजीशन के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इसमें पेशेंट को पेट के बल, एब्डोमिन के बल सुलाया जाएगा और उसका हेड एक साइड में टर्न किया जाएगा, चाहे उसको लेफ्ट साइड में करो या राइट साइड में करो। ठीक है, और इसका यूज या पर्पज, इसका यूज और पर्पज होगा प्रिवेंट बेड सोर, बेड सोर के लिए बचाने के लिए उसको ये प्रोन पोजीशन दी जाएगी। ट्रीटमेंट और सर्जरी ऑफ बैक एरिया, ट्रीटमेंट और सर्जरी ऑफ बैक एरिया के लिए भी प्रोन पोजीशन का यूज किया जाएगा, और प्रोन पोजीशन आपके सामने ये है। तीसरी पोजीशन रोज पोजीशन की बात करेंगे। रोज पोजीशन के अंदर क्या करना होगा? पेशेंट को स्पाइन पोजीशन के अंदर सुलाया जाएगा और उसके शोल्डर के नीचे एक पिलो को लगाया जाएगा जिसकी वजह से उसका नेक अच्छे तरीके से विजिबल हो। और ये यूज किसमें करते हैं? ये यूज करते हैं थायरॉइडेक्टोमी में, टॉन्सिलेक्टोमी में और ट्रेकियोस्टोमी के टाइम इसको यूज करते हैं, और ये रोज पोजीशन आपके सामने ये है। नेक्स्ट अपनी चार नंबर जो पोजीशन है वो है डोर्सल रिकमेंडेड। इसके अंदर पेशेंट को बैक के सहारे सुलाया जाएगा और उसके पैर है वो सेपरेटेड कर दिए जाएंगे। नी को फ्लेक्स करना है, उसके बाद में जो उसके सोल है वो बिल्कुल बेड के ऊपर फ्लैट रहेंगे। और ये जो पोजीशन है ये किसमें यूज की जाती है? ये वेजाइनल या फिर रेक्टल एग्जामिनेशन में यूज की जाती है। उसके अलावा
इसको फीमेल कैथेटराइजेशन जब किया जाता है तो उसके अंदर भी इसको यूज की जाती है। एब्डोमिन का एग्जामिनेशन होता है उस टाइम भी इसको यूज की जाती है। और ये जो पोजीशन है ये आपके सामने, ये नेक्स्ट पांच नंबर जो पोजीशन होगी वो होगी सिम्स या फिर सेमी प्रोन पोजीशन। तो इसके अंदर पेशेंट को ट्रंक इज रोटेटेड 50 to 13 degrees फॉरवर्ड फ्रॉम लेटरल पोजीशन विद वन लेग फ्लेक्स्ड। पेशेंट को लेटरल साइड में टेढ़ा सुलाया जाएगा और उसके एक पैर को फ्लेक्स कर दिया जाएगा। और इसका यूज करते हैं रेक्टल एनिमा एंड इरिगेशन के वक्त। और जो ये सेमी प्रोन पोजीशन सिम्स पोजीशन है वो आपके सामने, ये छह नंबर आपकी जो पोजीशन रहेगी वो आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर लिथोटोमी पोजीशन, पेशेंट लाई ऑन बैक, पेशेंट को बैक के सारे सुलाया जाएगा, हिप थाई एंड नी फ्लेक्स एट 90 degrees एंगल। हिप को, थाई को और नी को 90 degrees के एंगल पर फ्लेक्स कर दिया जाएगा। और इसका यूज किया जाता है गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर या फिर नॉर्मल डिलीवरी के वक्त। तो नेक्स्ट अपनी पोजीशन फॉलर पोजीशन। फॉलर पोजीशन में पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाएगी? पेशेंट का बेड को हेड साइड से 45 से 60 डिग्री तक एलिवेटेड किया जाएगा। और इसका यूज करते हैं पेशेंट को जब इंक्रीज आईसीपी हो तो उस टाइम फॉलर पोजीशन का यूज किया जाता है। और साथ ही ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाए पेशेंट को तो उसमें भी फॉलर पोजीशन का यूज किया जाता है, जैसा कि आप उसमें देख रहे हो। नेक्स्ट है अपनी आठ नंबर हाई फॉलर। इसमें पेशेंट के बेड को हेड साइड से 80 से 90 डिग्री तक एलिवेटेड किया जाएगा, मतलब कि उसको बिल्कुल सीधा बैठाया जाएगा। इसका यूज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में किया जाता है। और इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? स्पाइनल इंजरी के वक्त इस पोजीशन को बिल्कुल भी नहीं देना। इसका आपको देख सकते हो। तो आपकी नेक्स्ट पोजीशन रहेगी 9 नंबर और 10 नंबर। पहले है सेमी फॉलर पोजीशन। सेमी फॉलर पोजीशन, इसके अंदर पेशेंट को बेड को हेड साइड से 30 से 45 डिग्री तक एलिवेटेड किया जाएगा। और इसका यूज आफ्टर मास्टेक्टोमी में किया जाता है। और इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? हिमोलाइटिक एनीमिया के टाइम इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इसको नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है लो फॉलर पोजीशन। लो फॉलर पोजीशन में पेशेंट के बेड को 15 से 30 डिग्री तक एलिवेटेड किया जाएगा। इसका यूज है ब्रीथ इन डिफिकल्टी के टाइम इस पोजीशन को दी जाएगी। और ये पोजीशन है आपके सामने, आप देख सकते हो। हाँ, तो नेक्स्ट आपकी 11 नंबर पोजीशन जो रहेगी वो है नी चेस्ट गैनियोपेक्टोरल मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। इसके अंदर पेशेंट लाइज ऑन प्रोन नी एंड चेस्ट। इसमें आपको देख सकते हो पेशेंट की पोजीशन। ये यूज किसके अंदर की जाती है? ये रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन के टाइम यूज की जाती है या फिर ये विजुअलाइजेशन ऑफ इंटरनल सेक्स ऑर्गन के टाइम भी यूज की जाती है। तो आपकी 12 नंबर जो पोजीशन रहेगी वो है लेटरल पोजीशन। इसके अंदर पेशेंट लाइज ऑन लेफ्ट साइड, टर्न प्रोन एट 45, लोअर लेग एक्सटेंडेड एंड अपर लेग फ्लेक्स्ड एंड नी 45 to 90 degrees। इसके अंदर पेशेंट को पहले प्रोन पोजीशन के अंदर सुलाया जाएगा, उसके बाद में जो नीचे का लोअर लेग है वो बिल्कुल सीधा रहेगा और ऊपर का जो लेग है उसको 45 से 90 डिग्री तक फ्लेक्स कर दिया जाएगा। आपके सामने फोटो के अंदर है। यूज इसका यूज किया जाता है फॉर गिविंग एनिमा एंड टू टेक रेक्टल टेम्परेचर। तो नेक्स्ट आपकी 13 नंबर जो पोजीशन है वो है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। इसके अंदर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में सुलाया जाएगा एंड उसके हेड को 30 to 40 degrees लोअर देन फीट। स्पाइन पोजीशन के अंदर सुला के उसके हेड को उसके फीट से
30 टू 40 डिग्री लोअर कर दिया जाएगा, जैसा कि आप उस फोटो में देख कर पा रहे हैं। इसका यूज क्या है? यूज है एग्जामिनेशन ऑफ पैल्विक ऑर्गन के लिए। हाइपोवोल्मिक शॉक में भी दिया जाता है, जब हाइपोटेंशन होता है तो उस टाइम भी टेंडरबर्ग पोजीशन दी जाती है। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में रहेगा? हेड इंजरी हो या फिर इंक्रीज आईसीपी हो तो उस वक्त इस पोजीशन को नहीं दी जाएगी। हाँ, तो अब अपने बात करेंगे पहले 15 नंबर पोजीशन की, जो कि है रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन। इसके अंदर पेशेंट का जो हेड है उसको 45 डिग्री अपर देन फिट, पहले जो अपने बात की थी टेंडरबर्ग उसके अंदर लोअर की थी, हेड को लोअर रखा था फिट से, अब क्या रखेंगे? अपर रखेंगे एंड जो उसके फिट है उसको लोअर रखेंगे। यूज इसका यूज करते हैं जीईआरडी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में, जैसे कि आप उसमें देख पा रहे हैं। हाँ, तो अपनी लास्ट पोजीशन लॉग रोल पोजीशन, इसके अंदर पेशेंट को स्पाइन पोजीशन के अंदर सुलाया जाता है। इसका यूज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में होता है। इसमें पेशेंट को हेड को, ओनली हेड को आप टर्न नहीं करोगे, ना ही ओनली लेग को टर्न करोगे, इसमें पेशेंट को अगर आप टर्न करोगे तो पूरी बॉडी को एक साथ टर्न करोगे, जैसा कि आप उस फोटो में देख पा रहे हैं।